जिस तरह आप सब जी पता है कि शुभदीप मूसेवाले के मर्डर तो बाद पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर्स के खिलाफ एक बड़ी सख्त मुहिम स्टार्ट की हुई है जिदे अंडर द लीडरशिप ऑफ मानयोग डी जी पी पंजाब गौरव यादव साहब पंजाब के जिले के गैंगस्टर के खिलाफ बहुत वड्डा एक्शन होया। इस तहत ही पटियाला पुलिस जी है साड़ी एस एस पी पटियाला लीडरशिप के अंडर एस पी डी पटियाला मिस्टर हरबीर अटवाल डी एस पी डी पटियाला मिस्टर रंधावा सी ए इंस्पैक्टर शमिंदर साढ़े स्पैशल सैल के इंचार्ज गुर इकबाल सिकंद इस सारी टीम ने एक स्पैशल ऑपरेशन चलाया जिहड़ा कि पंजाब हरियाणा ते यूपी दिल्ली तक उसका जाल विछाया होया सी। ये ऑपरेशन सानू एक बहुत इंपॉर्टेंट ए कैटेगरी का गैंगस्टर है एस के करौड़ कंवरदीप सारे तुसी जानते हो पटियाले दे विच बहुत सारे केसां च वांटेड सी। उसते गैंग की सानू कई सालों तो इंतजार सी पी ओ सी बहुत वड्डा ऑपरेशन के चलते चलते दिल्ली पुलिस ते पंजाब पुलिस पैरल काम कर रही सन। एस के करौड़ दिल्ली पुलिस के कब्जे च आ गया उसनों उन्होंने स्पैशल सैल ने गिरफ्तार कर लिया लेकिन पंजाब पुलिस भी बहुत लागे पहुंची हुई सी। एस के करौड़ के नाल वांटेड तीन वड्डे गैंगस्टर साड़ी पकड़ दे विच आ गए उन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्होंने मेन नाम है मुहम्मद साजन सुनील कुमार राणा ते जसप्रीत सिंह मग्गू इन्ह को एक वाइट नोवा तो बहुत खतरनाक हथियार इन्ह को बरामद होया है एक पी ब्रेटा आटोमैटिक पिस्टल एक बेलजियम की राइफल ते नाल दो होर पिस्टल ते बहुत सारे आर्म्स एंड अमनूशन जिहड़े है वो रिकवर हुए। सो तीन गैंगस्टर ये मेन तीन इन्ह के एसोसिएट्स ने अबू सूफिया फूल मुहम्मद ते रजवान तीनों नाल पकड़े गए वो टोटल छे गैंगस्टर पटियाला पुलिस ने पकड़ के इस सारा एस के करौड़ का पूरा गैंग इस मैश हो गया ये साड़ी गिरफ्त आ चुके हैं। जिस तरह आप सब जी को मालूम है कि इस साल के शुरू के एक तारादत्त मर्डर केस होया बड़ा सेंसेशनल मर्डर सी। तारादत्त अपने घरों बाहर निकलिया उसनू उहदे घर दे विच ही गली के दोनों पासे ब्लॉक करके कोई 10-11 बंदियां दा गैंग्स ने इन्नी बुरी तरह उसनू दिन दिहाड़े कतल किया। उस कतल 7 बंदे गिरफ्तार हो चुके सन लेकिन 4 मेन वॉन्टिड सीगे वो चारे जिहड़े मेन एस के करौड़ दिल्ली पुलिस कोल है उसनू असी जिस दिन जुडिशियल रिमांड चला गया पंजाब पुलिस उन्हें पटियाला रिमांड से लैके आएगी तो उसके को बाकी सारिया पुछगिछ होणगियां लेकिन वो एसोसिएट्स जिहड़े तीन जिहड़े मेन वॉन्टिड क्रिमिनल जिहड़े है वो साढ़े प्रेस नोट के डिटेल दस्या होया कि सारिया के उत्ते 7-8, 8-8, 9-9 क्रिमिनल केस दर्ज ने। सो ये गैंग के काबू आने के नाल एक शमशेर सिंह शेरा मर्डर केस भी है 2020 का उद्दे भी ये 4 बंदे वॉन्टिड है वो 2 इंपॉर्टेंट मर्डर केस साढ़े ट्रेस हुए। इस तो अलावा एस के करौड़ बहुत सारिया वारदातों पटियाले वॉन्टिड सीगा। मैं आप जी को दसना चाहना कि एस के करौड़ कंवरदीप जो कैटेगरी ए का गैंगस्टर है इस पटियाला रेंज के ही कला ए कैटेगरी का गैंगस्टर वॉन्टिड सी। ये अरैसट होने के नाल बिल्कुल गैंगस्टर जिहड़े बी कैटेगरी बिल्कुल खत्म हो चुकी ने। एस के करौड़ की बैकग्राउंड यह है कि इसने जो अपना गैंगस्टर का वादा स्टार्ट किया इसकी पहला एसोसीएशन सी हरविंदर रिंदा के नाल इन्होंने रल के बहुत सारे क्राइम किए। ये पटियाला जेल दोनों कट्ठे अरैसट होकर रहे उत्थे जेल सुपरिटेंडेंट ते इन्होंने अटैक किया और उस खिलाफ़ परचा भी दर्ज होया इन्हों के खिलाफ़ वो ट्रायल भी इन्हों का चल रहा। और हरविंदर सिंह रिंदा के पाकिस्तान जाने नाल एस के करौड़ इंडिपेंडेंटली अपना गैंग बना के ऑपरेट करना शुरू कर दिता और बहुत सारिया वारदा का जोड़ा वांटिड सीगा ये अरैसट होने बहुत सारे केस जो बंद पे से उन्हां दी ट्रायल एकदम हुण स्टार्ट हो जाएगा। मैं साढ़े प्रेस नोट के है ने कोई कुछ क्रिमिनल 8-8, 9-9 केसा च वांटिड ने कुछ 6-6, 7-7 FIR ने मतलब इन्हां दे तकरीबन सारे गैंग मैंबर अरैसट हो चुके हैं कोई मैंबर इन्हां दा हुण नहीं बचिया। 6 मैंबर असीं अरैसट कर ले 7वां मैंबर एस के करौड़ दिल्ली पुलिस कोल है बिकॉज वो पैरेलल ऑपरेशन चल रहे थे पंजाब पुलिस के दिल्ली पुलिस के मेन लीडर उन्होंने फड़ लिया लेकिन गैंग मैंबर सारे साढ़े कोल काबू आ गए। हाँ सब तो इंपॉर्टेंट गैंगस्टर पटियाले का आप जी सारे पता ही एस के करौड़ बहुत सारे किस्सा जो वांटिड सीगा नहीं स्टेटस इस तरह है इस तरह गैंगस्टर दी कैटेगरीज ने जिस तरह हरविंदर रिंदा पाकिस्तान है मोस्ट वॉन्टिड गैंगस्टर है साढ़े वास्ते वो कैटेगरी ए जे इन्हें गैंग्स के इंपॉर्टेंट लीडर है वो कैटेगरी ए आ जाते हैं।
जिस तरह जग्गू भगवानपुरी होया, लारेंस बिश्नोई है, एस के खरौड़ उस लैवल का ही गैंगस्टर जिहड़ा वो पंजाब पुलिस दे विच पंजाब दे विच सीगा। उत्थे अरैसट होण नाल मैं समझदा कि इस एरिए दे विच गैंगस्टरवाद नूं बहुत वड्डी ठल पई है और एक बड़ा वड्डा सुनेहा है कि गैंगस्टर्स नूं हुण पंजाब दे विच कोई जगह नहीं नाली। पंजाब पुलिस चप्पे चप्पे कोने कोने जिन्हां नूं लभ रही है और हुण किसी किस्म का भी जिहड़ा गैंगस्टर क्राइम है वो मैं समझदा कि साडी मस्तैद पंजाब पुलिस जिहड़ी है वो असीं नहीं होण देवांगे। देखो पोलीटिकल बैकग्राउंड पर मैं नहीं कमेंट कर सकता। एस के खरौड़ दिल्ली पुलिस ने अरैसट किया, असी शॉर्टली नूं लैके आ रहे हैं, वो इंटरोगेशन करा उस बाद ही कोई चीज़ जी है बाहर आ सकती है। मैं आप जी ने दसिया कि रिंदे का एसपीट सी है बहुत वड्डा, ये रिंदा रल के क्राइम करते रहे लेकिन रिंदा पाकिस्तान चला गया वॉन्टेड टैरिस्ट। उस तो बाद एस के खरौड़ ने अपना ग्रुप इंडिपेंडेंट कर लिया। मतलब रिंदा हुण पाकिस्तान है, उत्थे टैरिस्टां नाल ते मिलदे ही ने लोग, ये चीज़ तो टैरिस्ट गैंगस्टर नैक्सस ते ऑलरेडी आ ही चुका पंजाब दे विच। देखो एस के खरौड़ अजे दिल्ली पुलिस कोल है, उसनों लिया के असीं इंटरोगेट करांगे, उसनों बहुत सारी चीज़ां सामने आउणगियां ते एक छोटी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर मीडिया नूं दस्सिया जा सकदा। देखो कैटेगराइज नहीं सी है, रीजन बीइंग कि गैंगस्टर एस के खरौड़ एक कैटेगरी का कैटेगराइज गैंगस्टर है, बाकी जिहड़े तीन फड़े गए मुहम्मद साजन सुनील कुमार राणा ते जसप्रीत मग्गू, इन्हां दी कैटेगराइजेशन नहीं हुई लेकिन यह बहुत सारे केसां च वांटड है। साढ़े प्रेस नोट दे विच बड़ा डिटेल तरीके नाल दस्या गया कि इन्हां दे उपर 7-8 केस जिहड़े आ उह दर्ज होए ने और यह फड़े जाण तों पहलां इन्हां दी प्लैनिंग सी। सर प्रिलिमिनरी पुछ किसे ने सानूं दस्या इन्हां ने बिहार दे विच मर्डर करना सीगा, होर भी इन्हां दी प्लैनिंग सीगियां कि असीं गांह जिस तरह फैसटिवल सीज़न आ रहा है कोई ना कोई वारदातां दी इन्हां दी गैंगस्टर दी प्लैनिंग तो हमेशा रहिंदी है, लेकिन पुलिस का प्रैशर नाकाबंदी ऑपरेशन नाल ये हुण पंजाब तो बजे हुए सी, इन्हां नूं असीं हरियाणा स्टेट दे विचों गिरफ़्तार किया। कानून पास कर रहा स्टेट की लैजिस्लेटिव असैम्बली का काम है, पुलिस महकमा कानून सख्त है माड़ा वो तीस कमेंट नहीं कर सकते। साडा फर्ज इन्ना है कि जो गैंगस्टर फड़े जाते हैं जिदा इन्हों को वैपनस ने इन्हों का असी प्रॉपर चार्जशीट बना के कोर्ट्स देिए, प्रॉपर गवाह भुगतन जिहड़े पुलिस वाले दे एविडेंसेस ऑफ प्रॉपर ऑन फोरेंसिक की रिपोर्ट जाए, सो दैट एट द टाइम ऑफ ट्रायल विल मेक श्योर कि इन्हों की कन्विक्शन होवे। देखो पी ब्रेटा जिहड़ा पिस्टल फड़िया गया ये बड़ा मारू हथियार है जी, ये इटली का वैपन है, इन्हों को मतलब जिहड़े जिन्हें हथियार फड़े गए सारे तुसीं देखोगे बड़े सोफिस्टिकेटेड वैपनस ने। हाँ जी कॉस्ट वाइज ये पी ब्रेटा का काफ़ी कॉस्टली है, हम एग्जैक्ट अमाउंट मैं नहीं दस सकता यदि बिकॉज इंपोर्टेड वैपनस ने, कोई इंडिया के इन्हों की प्राइस टैग नहीं आता लेकिन सारे इंपोर्टेड और ऑटोमैटिक असले ने और इन्हों के नाल देखो इन्होंने दहशत फैला रखी सी। मैं समझदा कि इन्हों अरैसट होने के नाल पटियाला टीम को मैं शाबाशी देना कि इन्होंने मुस्तैदी के नाल काम किया क्योंकि ऑपरेशन ओवरनाइट नहीं चलते, असी मीडिया सामने आने उदों जदों ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, किन्ने दिनों की मुशक्कत साडे DSP DSPD SSP साहब डे एंड नाइट इंटरोगेशन होंगे स्टेट तो बाहर टीम आ जाती हैं, दूसरी पुलिस दूसरे राज्यों की पुलिस ना असी कोऑर्डीनेशन करते हैं, मतलब इन्हों गैंगस्टरों को अरैसट करना कोई एडा सौखा काम नहीं होंगे बिकॉज ये कानून नालों एक स्टेप अगे चलन की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं समझदा कि कानून की जिहड़ी लंबा हथ है वो इन्हां दी गिरफ्त विच कदे ना कदे गर्दन तक पहुँच ही जाता इन्हां दे। देखो मैं हम तुम दसदा पुलिस का एक सिस्टम है कि जिस तरह इंस्पैक्टर साहब तो लैके DSP साहब SP साहब सारी टीम इतने बैठी है, इन्हों की इस नाल थले कॉन्सटेबल हैड कॉन्सटेबल जिन्हों का रोल है वो सारी की सारी जी है रिपोर्ट बना के SSP साहब मेरे को भेजेंगे, CC1 तक मैं दे सकता, इस तो बाद रिकमेंडेशन असी मानयोग DGP साहब पास भेजते हैं और साढ़े DGP साहब इस को बड़ी उन्होंने दरिया दिल है कि जो रिकमेंडेशन जाती है एंड भी अटली उसको अपरूव करते हैं, सो दैट पुलिस का मनोबल उच्चा रहे और एक गैंगस्टरवाद के खिलाफ जी लड़ाई है मैं समझदा ये कोई सौखी लड़ाई नहीं, ये बड़ी दलेरी और बड़ी सपोर्ट की लोड़ होती है और मैं अपनी टीम की बैक पर खड़ा असी इन्हों का मराल उच्चा रखा और इस टीम को मैं शाबाशी देना कि आने वाले समय के भी कि एक गैंग फड़न के नाल मसला हल नहीं होंगे,
ये कंटीन्यूअस एफर्ट साढ़े जारी रहने चाहिए है बिकॉज ये नहीं कि पटियाले के गैंगस्टर ने पटियाले क्राइम करना है तो बाहर का गैंगस्टर भी इतने आके क्राइम कर सकता है। तो पुलिस की मुस्तैदी इन्हों डे एंड नाइट ऑपरेशन इन्हों का बुलंद हौसला वो जरूरी है। थैंक यू। पटियाले हम कैटेगराइज गैंगस्टर बिल्कुल खत्म हो गया साढ़े जिन्हें गैंगस्टर ने जेलों च ने या अपनी सज़ा कट के आ चुके हैं वो गैंगस्टर की साड़ी कैटेगराइज लिस्ट जी है पटियाले की जी आलमोस्ट कंप्लीट है। मैं तुम दसदा ये जो गैंगस्टर स्टार्ट के घटनावां वारदात करते हैं वो लुट खोह दियां करते हैं वैपन खोह लिया बाद मर्डर वर्गियां वड्डियां घटनावां नूं अंजाम देंदे आ प्लस अंदर खाते फरौतियां भी करते हैं। सो इन्हां दी डिटेल इंटरोगेशन जदों एसके करौड पुलिस रिमांड चाहेगा पटियाले इन्हां ने जो किसी के इंपोर्टेंट बंदे को किसी की फरौती भी की है वो पुछगिछ दौरान असी होर भी चीज़ा जिहड़ियां सामने आ सकदियां। थैंक यू। पोलीटिकल लीडर्स की असैसीनेशन की कोई फिलहाल पुछगिछ रिपोर्ट नहीं आई जो कोई आएगी जरूर मीडिया नाल शेयर करांगे। रिमांड सानूं दो दिन का रिमांड मिले इन्हां दा डेफिनेटली पंजाबी यूनिवर्सिटी के इसने बहुत सारिया वारदातें की हैं कई स्टूडेंट इलेक्शन के इन्हें गोलियां चलाईया सो ये मतलब स्टूडेंट लीडर हौली हौली फिर गुंडे बनते बनते वे गैंगस्टर बन जाते हैं। सो मैं समझदा कि ये नौजवानों लिए एक बड़ा आई ओपनिंग है कि कोई भी जिहड़ा गैंगस्टर है वो रोल मॉडल नहीं हो सकता अल्टीमेटली ये लोगों ने क्रिमिनल्स ने पुलिस से हाथ आना ही होंगे तो इन्हों का सही जगह जी वो जेल है उत्थे बैठ के सजावं कट्टणगे। नहीं 100% SSP साहब के मेरे नोटिस होंगे NIA देखो वो हिंदुस्तान की इनवैसिगेटिव एजेंसी है उन्होंने और पंजाब पुलिस का मिशन कोई क्रॉस रोड से नहीं है उन्होंने भी क्रिमिनल्स को चेज़ करना पकड़ना असी भी करना जदों रेड करते हैं पटियाला पुलिस को पूरा नोटिस होंगे असी हर तरह की उन्होंने असिस्टेंस वगैरह देने हैं। सो सेंट्रल एजेंसी तो पंजाब एजेंसी कोई भी है वी आर वर्क इन क्लोज कोआर्डीनेशन क्योंकि एम दोनों एजेंसियों का यही है कि जोड़े क्रिमिनल्स ने गैंगस्टर ने इन्हों फ के सलाखा पिछे भेजा जाए और स्टेट के अपना मुल्क जी है अमन शांति बहाल रहे। थैंक यू।